गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ छोटा सा टिप्स, ट्रिक और हैक, जो भी कह लो, बेस्ड ऑन योर लिप्स। लाइक लिप्स पे अगर आप लिक्विड लिपस्टिक या मैट लिपस्टिक अप्लाई करना चाहते हो बट आपके लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई हैं, ओके, एंड कितना भी अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद आप लिक्विड लिपस्टिक या मैट लिपस्टिक अप्लाई करते हो, देन 2-4 घंटे बाद इवन बहुत ज़्यादा आपके लिप्स ड्राई हैं, देन यू नो 1-2 घंटे बाद ही या फिर आधे घंटे बाद ही बहुत ही फ्लेकी होने लगते हैं, पील होने लगते हैं, जो कि बहुत ही अनफ्लैटरिंग लुक देता है। सो अगर आप वो अवॉइड करना चाहते हो देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, ये वाला हैक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नाउ प्रीवियसली इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लिप बाम यूज़ करते हैं, यू नो लिप बाम अप्लाई कर लो एंड तब तक मेकअप कर लो या फिर 10 मिनट तक छोड़ दो या 5 मिनट तक छोड़ दो, एंड आफ्टर डैट लिप बाम का जो एक्सेस है वाइप कर लो एंड देन लिक्विड लिपस्टिक या फिर मैट लिपस्टिक अप्लाई कर लो, बेसिक राइट। बट मेरे हिसाब से क्या होता था, लाइक मेरे केस में क्या होता था, मैं अगर लिप बाम अप्लाई कर लेती हूँ एंड उसके ऊपर अप्लाई करती हूँ तो ऑफकोर्स लिप बाम का जो स्लिपरीनेस है, जो ऑयलीनेस है या फिर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा वाला, उससे मेरा लिक्विड लिपस्टिक या मैट लिपस्टिक का तो पूरा इधर उधर इधर उधर से ब्लीड करने लगता था। सेकंड, उसका लुक ख़राब हो जाता था। उसमें लिक्विड लिपस्टिक मैट लिपस्टिक जैसा लॉन्ग लास्टिंग जैसा कोई बात होता ही नहीं था। अगर मैं वाइप कर लूँ तो कंडीशन यू नो 1-2 घंटे तक ठीक था एंड आफ्टर डैट फिर वही कहानी, वो ड्राइनेस, फ्लेकीज एंड ऑल। नाउ मैं एवरी 2 आवर्स जाके वॉशरूम में पूरा टिश्यू से या फिर किसी भी चीज़ से, हैंकी से निकाल के लिप बाम अप्लाई करके 5 मिनट तक वेट करूँगी वॉशरूम में एंड देन फिर उसे वाइप करूँगी, देन मैं लिक्विड लिपस्टिक या मैट लिपस्टिक लगाऊँगी, एवरी 2 आवर्स कॉलेज या ऑफिस वर्क में पॉसिबल नहीं है। सो मैंने ये हैक निकाला है ढूंढ के, दैट इज़ अप्लाइंग अ ग्लिसरीन बिफोर अप्लाइंग योर लिक्विड लिपस्टिक और मैट लिपस्टिक। सो इससे हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना ये लिपस्टिक रिमूव कर दूँ। सो एज यू कैन सी, मैंने लिपस्टिक अच्छे से रिमूव कर लिया, अभी मेरे लिप्स पे कोई लिपस्टिक नहीं है, ठीक है, ऐसा है जो भी है एकदम अच्छे से मैंने प्लेन से रिमूव कर लिया। थोड़ा सा इधर पिगमेंट है, इधर पिगमेंट है, जो कि शायद कैमरे पे नज़र नहीं आ रहा है, बट यहाँ से कोने से मेरा लिप्स थोड़ा पिगमेंटेड है, अदरवाइज इट्स ऑल ओके एंड ऑल राइट। ओके, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग लिप बाम एंड वेटिंग फॉर 5 मिनट्स, मैं थोड़ा सा ग्लिसरीन अप्लाई करूँगी, एकदम थोड़ा सा, लाइक यू नो 1 बूंद जैसा मैं ग्लिसरीन ले रही हूँ एंड देन मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अपने लिप्स पे, एंड ग्लिसरीन जो है एकदम अब्जॉर्ब हो जाएगा आपके लिप्स पे एंड यू विल फील लाइक दैट आप एक लिप प्राइमर अप्लाई कर रहे हो आपके लिप्स पे, जैसा आप अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई करते हो बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन, यू विल फील एग्जैक्टली सेम व्हेन यू आर अप्लाइंग ग्लिसरीन ऑन योर लिप्स बिफोर अप्लाइंग लिक्विड लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक और एनी लिपस्टिक। ओके, वेरी स्मूथ, बहुत ही लाइट मॉइस्चराइजिंग लगेगा आपको। ओके, एंड लगाते के साथ साथ आप देखोगे ये अब्जॉर्ब हो गया है, ये जैसे कि लिप बाम अप्लाई करो एंड एक्सेस में अप्लाई करो स्पेसिफिकली एंड देन उसे रुको, वेट करो एंड देन वाइप करो एक्सेस एंड देन अप्लाई करो, नो, जैसे ही मैंने अप्लाई किया ये हो गया है, मुझे और इसे कुछ भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से ग्लिसरीन मेरे लिप्स पे अप्लाई हो गया है, अब्जॉर्ब हो गया है। अब ग्लिसरीन का जो क्वालिटी क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, लाइक इसका जो फैक्टर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ एंड उसी तरीके से ये मॉइस्चराइज रखता है, हाइड्रेटेड रखता है, प्लम्प रखता है, इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं है, स्वीट है, ठीक है। तो अब्जॉर्ब हो गया, मैंने वेट किया बट अदरवाइज एवरीडे बेसिस पे मुझे वेट नहीं करना पड़ता है। अभी अप्लाई कर रही हूँ अपना एक वेरी मैट लिक्विड लिपस्टिक, दिस इज़ फ्रॉम निक्स इन द शेड रोम सॉफ्ट मैट लिप क्रीम। ओके, मैं इसे अप्लाई कर लूँगी, इट इज़ अ न्यूड शेड फॉर मी, वर्क्स रियली वेल। तो ये बहुत ही न्यूड शेड है मेरे लिए बट बहुत ही मैट है, लॉन्ग लास्टिंग एंड वेरी कंफर्टेबल ऑन लिप्स। सो अगर आप लिप बाम अप्लाई करते हो तो बहुत ही मॉइस्चराइजिंग सा इफेक्ट आएगा आपके लिप्स पे एंड जो भी है झंझट मैंने बताया। ग्लिसरीन अप्लाई करने से आपको फील होगा दैट आप एवरीडे बेसिस पे लिप प्राइमर अप्लाई कर रहे हो, एट द सेम टाइम
जब आप लिपस्टिक अप्लाई करोगे, लिपस्टिक का अप्लाई करने के टाइम उसका फिनिश, लिपस्टिक का फिनिश भी ऐसा आएगा दैट आपने एवरीडे लिप प्राइमर अप्लाई किया, जबकि आपने एक बहुत ही नेचुरल सा चीज़ यूज़ किया है, दैट इज़ ग्लिसरीन, जो कि बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, हाइड्रेटिंग है, प्लम है, आपके लिप्स को ओवरऑल बहुत ही हेल्थ मॉइस्चर एंड प्रोवाइड करता है एंड एवरीथिंग. So this is the hack I'm using from quite some time now and this is really working great for me. So I thought that मैं आप लोगों के साथ share करूँ and do let me know in the comments bar below. Use करने के बाद बहुत ज़्यादा time नहीं लगेगा guys. Glycerin सबके घर में होता है, कल या परसों जब भी हो आप, जब सुबह निकलो apply glycerin, apply your liquid lipstick or matte lipstick and all. पूरा दिन spend करने के बाद फिर से video पर आना and जो भी आपका experience हो, point of view हो, शेयर ज़रूर करना बेस्ड ऑन दिस हैक. सो एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय गाइज.